केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देवप्रयाग में गंगा से गंगा सागर तक चलने वाले राफ्टिंग अभियान का शुभारंभ किया। गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए ये राफ्टिंग दल 34 दिनों की यात्रा के दौरान 40 जगह पर आमजनों को जागरूक कर स्वच्छता का संदेश देगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा हमारी जीवनदायिनी है, इसके निर्मलता के लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा में पड़ने वाले सिवरेज के पानी के खिलाफ एक जंग की तरह कार्य करना है, जो कि आम जनता की भागीदारी से संभव है और इसके लिए सरकार ने 150 सिवरेज प्लांटों पर कार्य शुरू कर दिया है। गंगा की निर्मलता और अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन के तत्वावधान में इस बात को विश्वास करते हुए कि गंगा की निर्मलता और अविरलता को एक जन आंदोलन बनाए बिना, जन चर्चा और चिंता का विषय बनाए बिना पूर्ण करना असंभव है। जन का जुड़ाव इस मिशन के साथ में करने और गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ में आम जन को जोड़ने के उद्देश्य से एक अभियान आज इस देवप्रयाग पवित्र भूमि से लेकर के और गंगा सागर तक, जहां माँ गंगा महासमुद्र में विलीन होती है, वहां तक के लिए 34 दिन के इस अभियान का शुभारंभ आज इस यहां से किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने गंगा को आम आदमी की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार स्वच्छ भारत की परिकल्पना की है, उसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। इस अभियान के तहत ऐसे 34 दिन की यात्रा 40 स्थानों होकर के, तो हरिद्वार, आज राम झूला में भी इसका कार्यक्रम है मंत्री जी के द्वारा, और फिर आपका प्रयागराज से लेकर के आगे और गंगा सागर तक ऐसा ये जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे अभियान से जुड़े स्कूली बच्चों, शिक्षकों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। हमें नमामि गंगे के लिए पुरस्कृत किया गया है, उस पर हमने पोस्टर बनाए हुए थे, तो और आज हम पुरस्कृत होकर बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा है वो हमारी माँ के समान है और हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।